परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 70110-14812। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिकाए एक हवा में नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन मैं कहती हूँ, इमारत टूटने के पहले इसको महल बना लेना। इन ईटों से ही, ईटे एक सी होती हैं, शराब खाना भी बन जाता है और मंदिर भी बन जाता है। इन मंदिरों को मैं कहती हूँ, वास्तव में परमात्मा का मंदिर बनवा लेना, ताकि तुम जाओ तो दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, दा दर्शत ही हट गया सो हम रहा प्रकाश। परमात्मा तुम्हें देखकर मुझे एहसास होता है कि अब देखने को कुछ बाकी नहीं रहा, क्या देखना। लोग कहते हैं वो इतना खा गया, उसने इतना गमन कर लिया। अरे हम तो कहते हैं, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, जो करेगा वो भरेगा। हम तो मुट्ठी भर दाना देकर भी स्वर्ग का इंतजाम करते हैं। जैनत्व से बड़ा और क्या धर्म होगा। हर धर्म में अपने भक्त को भक्त रहने देते हैं, लेकिन जैन शासन ऐसा है जो भक्त को भगवान बना देता है। लोग इस शरीर को गालियां देते रहते, इस इंद्रियों को गालियां देते रहते हैं। मैंने कहा, ये मित्र है, तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा, इसको गालियां मत देना, इससे दुश्मनी मत करना। लोग सिर्फ खाना छोड़ देते हैं, कई बार खाना छोड़ देते, बहुत अच्छी बात है कि आप संयम लीजिए, लेकिन मैं कहती हूँ अहिंसा पहले लाइए। हमारे दिलों में अहिंसा आ जाए तो मैं कहती हूँ आज स्वर्ग नहीं, तुम अगले जन्म में तीर्थंकर बन सकते हो। लेकिन प्रेम का हम सिर्फ पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों में। आपने देखा, प्रेम बहुत लोगों से हो सकता है, राग एक व्यक्ति से होता है। कहीं पति पत्नी जा रहे हो, देख के ही पता चल जाता है, पति बिल्कुल मायूस, मूसा लटकाए और सीधे सीधे जा रहा हो, समझ लेना पति पत्नी, क्योंकि वो कहीं देख ले तो तुरंत हाथ कोहनी मारती, सीधे चलो कहां देख रहे हो। वो किसी को कह दे कि बहुत सुंदर, बोले तुम्हें तो दूसरी दिख रही है, और पत्नी कह दे कि वो अच्छा है, तब तो फिर बवंडर ही मच जाए। लेकिन मैं कहती हूं, इतना अधिकार दो किसी को, सत्य बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो। ये इंद्रियां माध्यम है, ये इंद्रियां कोई विकार का कारण नहीं है। तुम्हारे अंदर राग को देखो, लोग कहते हैं स्त्रियां नरक का द्वार हैं, स्त्रियां राग का कारण। मैंने कि स्त्रियां राग का कारण नहीं है, तुम्हारे अंदर राग बैठा गए, उससे स्त्री दिखती है तुम्हें।
कहाँ दिखती है? तुम्हारे अंदर लोभ हो तो सच बता दें, हमारा लोभ इतना है कि हम हर जगह तो व्यापार करते, जिंदगी भर तुम धन का व्यापार करते हो, मरने लगते तो फिर भी व्यापार चालू रहता है। कहने लगे अब चलो स्वर्ग का इंतजाम कर लो, जो यहाँ नहीं कर पाए स्वर्ग में मिल जाएगा। लोग मरने के बाद जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं वो भी अपना इंतजाम है कि मैं मर जाऊंगा कम से कम मेरा कुछ अंश तो रहेगा उसमें, मेरा ही अंश रहेगा, और मैं नहीं बन पाया वो करेगा। आप अपने बच्चों को वो नसीहत दो, क्योंकि हर बाप अपने बच्चों को वसीयत देता है। बच्चों को वसीयत तो अच्छी लगती है, नसीहत अच्छी नहीं लगती है। मैं कहती हूँ कार नहीं संस्कार देना। आप धर्म नगरी में पैदा हुए सौभाग्य है, लेकिन बच्चों को धर्मात्मा बना देना, पुण्यात्मा बना देना, ये महासौभाग्य है। क्योंकि लोग कहते हैं इंद्रियों के विषयों ऐसे हैं जो फिसल जाते हैं। हमने कहा कौन कहता है फिसल जाते हैं? आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन लगे हों और आपको पता चल जाए कि अभी मुझ पर कोई केस लगा दिया है और अभी मुझे पकड़ने, और वो सजा होगी जिसमें कोई वेल नहीं होगी, बताना भोजन अच्छा लगेगा? और आप रूखी रोटी खा रहे हो और आपको पता चल जाए 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई, सच बताना वो रूखी रोटी में भी स्वाद आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा मन हमारा बहुत संचालित करता है। आज से हमें यही प्रयास करना है, घर में आग लगी हो, आप सपने में देख रहे हो घर में आग लग गई हो, तो कितना पानी डालना पड़ेगा? कुछ पानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं आंख मुंदी तो अपना गया और आंख खुली तो सपना गया। पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कहते करोड़ों की जमीन जिसके नाम पर थी वो 2 गज जमीन में दफना दिया गया। ध्यान रखना, क्या इतने के लिए जोड़ते हो? जिंदगी कभी भी ले सकते हो, जिंदगी कभी भी करवट ले सकती है, गुमान न कर। और बुलंदियां 1000 छूले मगर गुनाह न कर, बुलंदियां 1000 छूले लेकिन गुनाह न कर। अपने जीवन में एक सूत्र बनाओ कि धर्म और गुरुओं के नाम पर, मंदिर देवसास गुरुओं के नाम पर हम सब एक हैं। क्योंकि आपको पता है उंगली उठती है तो हिदायत हो जाती है, और उंगली झुकती है, उंगली मिलती है तो तारीफ हो जाती है, और टेढ़ी हो जाए तो तमाचा हो जाती है। आपके ऊपर है कि आप अपने हाथ का क्या उपयोग करते हैं। आपको जिंदगी मिली है, आप इसे वास्तव में मंदिर बनाइए। ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हमने 2-3 दिन हो गए, मैं एक एक मंदिर में जाकर कहती हूँ माता जी आज ऐसी प्रतिमाओं के दर्शन नहीं मिलते हैं। वास्तव में जिन देव दर्शन करण से निज देव दर्शन होते है, जो कर्म फल देकर हटे हुए छीण क्षण में होते है। आपने देखा जब मित्रता होती है तो गाली भी तारीफ लगती है। शादी में गाली के लिए वो मिठाई लेकर और आता है, समझी गालियां। आप किसी को तमाचा दिखा दो तो झगड़ा हो जाए, और शादी में हाथे लगाते हो तो खुश होता है, समझी। आप किसी का जूता छुपा लो तो चोर कहलाओगे, और यहाँ साली जूता छुपाती तो उसे नैंग दिया जाता है। अपने जीवन को खुशहाल बनाओ, क्योंकि जिंदगी यदि आप लोगों के चेहरों को देखकर लगता है कि बचपन में थे तो कुछ कमा कर लाए थे, कुछ मुस्कान थी, सरलता थी, सहजता थी, और बुढ़ापे तक भिखारी नहीं महाभिखारी होके जा रहे हो। ऐसी चेहरे ऐसे रहते हैं जैसे जली लकड़ी हो। मंदिर में जयकारा भी ऐसे बोलेंगे जैसे मारपीट के किसी ने जबरदस्ती भेजा हो मंदिर। अरे परमात्मा का जयकारा लगा रहे, उनकी तो जय हो गई, तुम्हारी जय कहने से उन थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जय कर रहे हो, परमात्मा उस व्यक्तित्व का नाम ले रहे हो जैसा हमें बनना है। और बनना है तो माता रिहंत कहने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा प्रेमी से यदि प्रेम हो तो आप उसकी चर्चा करते हो, और यहाँ परमात्मा से प्रेम है फिर मिलने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आजकल शादियों का सीजन चल रहा है,
एक बार, क्योंकि पहले हमारे यहाँ वो शादियों के रिवाज थे, जब महीने महीने पहले रिश्तेदार आकर रुकते थे। और ये सच मानना, बुलंदियां कितनी भी छू लो, जो दिलेरी और आनंद उन समय था आज नहीं है। बच्चे गर्मी की छुट्टियों में इंतजार करते थे कि मामा के यहाँ जाएंगे, बुआ के यहाँ जाएंगे, आज वो कबूतर खाने में दिन भर एक, समझ गए, इतने से मोबाइल में 25 ग्राम के मोबाइल में 50 किलो का आदमी फिट हो जाता है, फिर वो हिलता ही नहीं। और मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ी खिदमत ये है, किसी तुम्हारे यहाँ कोई आए तो तुम मोबाइल रख दो, इससे बड़ी खिदमत कुछ नहीं होती। नहीं तो वो भी अपने में लगा रहता, तुम भी अपने में लगे रहते हो, ऐसे लगता है जैसे मैयत में बैठने आए। ये कितने गद्दार लोग हैं, जीते जी, जब जीते हो तो बैठने नहीं आते, मरते हो तो तुरंत बैठने घर पर चले आते, आप काहे को आए हो, चला गया बेचारा तो। और पगड़ी और बांधते हो, पूछा पगड़ी क्यों बांधते हो, बोले माता जी इनकी उत्तरदायित्व। तुमने कहा उत्तरदायित्व, अरे अकल नहीं आई कि ये चला गया सारा छोड़कर। सोचो बिचारी रजिस्ट्री हंसती होगी कि पागल तू चला गया, मैं सुरक्षित हूँ, तेरे नाम की जगह दूसरे का नाम और लिखवा लूंगी, तू कैसा पागल था, पूरी जिंदगी लगा गया। और वो जो बंध रही जिसपे पगड़ी, वो भी नहीं सोचता है कि कुछ दिन बाद मेरा नंबर भी आएगा। अरे मरने में क्या अंतर पड़ता है, 25 साल जियो 50 साल जियो। तो आपसे यही कहूंगी कि हमारी शादियों का सीजन है, वो समय था महीने महीने पहले बहन बेटियां आ जाती थी, और कम से कम 15 दिन पहले तो जमाई भी आ जाता था कि चलो कुछ दिन फुर्सत के दिन मिलेंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन वो हम सिर्फ पूजन में पड़ते हैं। सच पूछो शादी या पार्टी में जाती हैं लेडीज तो इतना मेकअप करके जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये वो ही है, और दूसरे दिन ऐसे लगता है जैसे पलस्तर उतर गया हो दीवार का। उस टाइम भी लाइट चली जाए तो सच बताना सुंदर की बंदर और हो जाओ, जितनी भी मेकअप सारा उतर के नीचे आ जाए। तो एक जमाई आया, क्योंकि पहले आते थे तो लोग बड़े अच्छे से उसका मंगलाचार करते थे, आज कागज पर आइए, कागज पर खाइए और मर्जी हो खाइए, नहीं तो भूखे चले जाइए। आज कोई आता तुम हाथ पकड़ के कहते हेलो, हमारे यहाँ लाने की परंपरा नहीं है, बैठाने की परंपरा है। कहते चार मिले 64 किले, चार मिले दो हाथ आपके, दो हाथ सामने वाले के, 32 दांत आपके, 32 सामने वाले के, दो आंखें आपकी, दो आंखें सामने वाले की, चार मिले 64 किले, 20 रखे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़, 60 करोड़ 30 करोड़ रोम तुम्हारे और 30 करोड़ रोम सामने वाले के। वरना मालूम तुम्हारे शरीर में अपन मैयत में जाके क्यों नहाते हैं, एक दिन द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्योंकि हर जीवित व्यक्ति के अंदर 7 करोड़ जीवन है, और वो 10 साल बाद वो मर जाते, दूसरे 7 करोड़ जीवन होते। तो सोच कर देखना क्या है तुम्हारे जीवन में, 30 करोड़ रोम 30 करोड़ सामने वाले के पुलकित हो जाना चाहिए। लेकिन आजकल पहले कोई आता था तो जलपान लेकर जाना, घर पे ले जाते थे, आज होटल ले जाते हो कि हो तुम्हारे अंदर बुद्धि तो टल जाओ, यहाँ से मत खड़े होने, इसे होटल कहते हैं। तो वो आया, अब सब रिश्तेदार तो अब आजकल पता है, पहले फिर 5 दिन बारात रुकने लगी, फिर 3 दिन रुकने लगी, अब 2 दिन, फिर अब 1 दिन, और आजकल आप सबको पता ही है 5-6 घंटे रुक जाए तो बड़ी गनीमत है। और वो भी इतना कहते हैं ऐसी हालत हो जाती जितने पूरा समाज खा जाए, इतने मात्र 500 लोग खाते। आप लोग तो सौभाग्यशाली हो टीकमगढ़ वाले हो जो क्षेत्रों पर करते हो, और मैं तो कहती हूँ आप लोग कभी सुजानगढ़ लाडनू जाकर आना। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120011-77277, IFSC PUNB 00212000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहां निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा निराश्रित चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117727, IFSC कोड PUNB002120, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 011901333249, IFSC कोड BARB0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।